मस्जिदों को जो त्रिपाल से ढका जा रहा है, जो आज का जो महापर्व है होली का, होली के पर्व की वजह से जैसे लोग होली खेलते हैं, मस्जिदों की दीवारों पर रंग के छींटे न जाएं, हमारे शहर की फिजा ख़राब ना हो, इसलिए ढका जा रहा है। कोई दूसरी और कोई वजह नहीं है, यही है कि हमारे शहर में शांति कायम रहे और सभी त्योहारों का जो है हम सम्मान करें। त्रिपालों को जो मस्जिद से ढका जा रहा है, उस बारे में मेरा सिर्फ यही कहना है, सन 2000 से पहले, आज से पहले कभी भी मस्जिदों को नहीं ढका गया। जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आई यूपी के अंदर में, उस वक्त से मस्जिदों को ढका जाने लगा, जिससे कि होली और रमज़ान, जैसे कि होली और रमज़ान एक साथ पड़ रहे हैं, जिससे कि त्रिपाल ढकने के बाद में शहर की कोई फिजा या आर्थिक व्यवस्था ख़राब ना हो, उसके लिए त्रिपालों को ढका जाता है। और मैं तो ये कहता हूँ सब जगह ढका जाना चाहिए, जिससे कि शहर की व्यवस्था ख़राब ना हो। जैसे कि होली और रमज़ान दोनों त्यौहार साथ में पड़े हैं, तो इसलिए रमज़ान के महीने में सब जने नमाज़ पढ़ने जाते हैं, तो मस्जिदों को जो ढका गया है, इसलिए ढका गया है कि मस्जिदों पे कोई रंग नहीं जाए, जो आपस में विवाद हो, शहर की फिजा ख़राब हो। इसलिए हमारा पुलिस प्रशासन सब जने साथ में रख के मेहनत कर रहे हैं, जो फिजा नहीं ख़राब हो, और दोनों के त्यौहार हिंदू मुसलमानों में बहुत बढ़िया तरीके से बन रहे हैं। इस बार हमारा ये कहना है, रमज़ान महीना चल रहा है तो ज़रा होली आई है, तो इसलिए पुलिस प्रशासन ने तो मस्जिदों इसलिए ढकवाया, अभी रंग त्यौहार बनावे, रंग में फिर तो मस्जिदों को नहीं आवे, शेर की फिजा खराब नहीं हो गए, सर मोहब्बत भाईचारा बना रहे, इसलिए मस्जिदों और तलवार ढका गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।